आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन एस्पायरेशंस पार्ट 2। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि ह्यूमन एस्पायरेशंस क्या है, किस तरीके से व्यक्ति इच्छा रखता है कि उसके पास स्वतंत्रता हो और स्वराज्य को वो कैसे स्थापित करे, कैसे वो प्राप्त करे। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि ह्यूमन एस्पायरेशंस जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेसिक नीड्स भी होती है कि किस तरीके से खुशी को, हैप्पीनेस को प्राप्त करे और प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि को हासिल करें अपनी लाइफ में। लेकिन ये दोनों ही चीजें होती है कि वो कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहता है, लगातार सुख चाहता है। ऐसा नहीं कि सुख अभी मिला हैप्पीनेस उसको अभी मिली बाद में नहीं चाहिए, बल्कि ये वो चीज है जो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस जिसे वो लगातार प्राप्त करना चाहता है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे किस तरीके से वो हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकता है और किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त कर सकता है, समझशाली बन सकता है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जिसे हम सुख के नाम से भी जानते हैं, हैप्पीनेस मे बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मनी सिनर्जी इन द स्टेट एंड सिचुएशन। हैप्पीनेस को हम डिफाइंड कर सकते हैं, यानी उसको परिभाषित कर सकते हैं एक सामंजस्य के अंतर्गत, एक ऐसी स्थिति जहां हमारा तालमेल होता है। निजी माने होता है तालमेल, सिचुएशन माने स्थिति। यानी हैप्पीनेस को परिभाषित करने के लिए हम एक ऐसे सामंजस्य, एक ऐसे तालमेल की, एक ऐसी स्थिति की के रूप में डिफाइन करते हैं डेट आई लिव इन, जिस स्थिति के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है या जिस स्थिति के अंतर्गत मैं रहती हूँ। जिस स्थिति के अंतर्गत एक व्यक्ति रहता है उस स्थिति के साथ उसका तालमेल कैसा है, उसकी हार्मनी, उसका सामंजस्य कैसा है। अगर सामंजस्य अच्छा है तो व्यक्ति हैप्पी होगा, अगर सामंजस्य अच्छा नहीं है तो व्यक्ति हैप्पी नहीं होगा। तो हैप्पीनेस को हम डिफाइन इस रूप में कर सकते हैं कि उसका परिस्थिति के साथ तालमेल कैसा है, सामंजस्य कैसा है। स्टेट और सिचुएशन इन विच आई लिव, जिसके अंतर्गत वो स्थिति, वो दशा जिसके अंतर्गत मैं रहता हूँ, इफ देयर इज हार्मनी इन इट, यदि वहां पर हार्मनी, सामंजस्य, तालमेल है, देन आई लाइक टू बी इन दैट स्टेट और सिचुएशन, तो मैं उस स्थिति, उस दशा के अंतर्गत रहना पसंद करता हूँ। यानी अगर मैं जिस स्थिति के अंतर्गत रहता हूँ, उस स्थिति के अंतर्गत मेरा तालमेल है, हार्मनी है, तो मैं उस स्थिति के अंतर्गत रहना पसंद करूंगा। द स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हैप्पीनेस, और यही जो दशा है पसंद करने की, यही हैप्पीनेस कहलाती है। इट इज ए हॉलिस्टिक, ये एक हॉलिस्टिक होती है जो जो मन से क्रिएट होती है, एंड ऑल एनकम्पासिंग स्टेट ऑफ द माइंड, बल्कि एक मन की एक श्रमगता, एक ऐसी स्थिति जो श्रमक स्थिति होती है, दैट क्रिएट इनर हार्मनी, जो हमें एक आंतरिक सामंजस्य को उत्पन्न करती है। यानी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सपोज कीजिए कि हमारे आसपास कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बैठे हैं, ये लोग हमारे बहुत क्लोज हैं, इनके साथ अगर हमें बातें करना पसंद है तो हमारा उनके साथ एक तालमेल बना हुआ है कि किसके साथ हमें कैसी है, किस रूप में बात करती है, तो वहां पर हम रहना पसंद करेंगे। तो वो एक हैप्पीनेस की बात होगी, वो यानी वो हमारी एक एनकम्पासिंग स्टेट हमारी माइंड की होगी, तो हमारा माइंड भी चाहता है कि वो वहां पर बैठे हैं और उन लोगों के साथ हम बातें करें, वो एक सामंजस्य हमारा वहां पर बना हुआ है। तो ये इनर हार्मनी होती है, एक आंतरिक रूप से हार्मनी क्रिएट होती है। लेकिन सपोज कीजिए कुछ लोग अगर ऐसी हमारे पास बैठे हैं जिनके साथ हमारा मन नहीं लगता, जिनके साथ हमारा मन बात करना नहीं चाहता, तो हम वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे, तो वो हैप्पीनेस वाली कंडीशन नहीं, क्योंकि तो वो जो स्थिति है, वो जो हमारे आसपास का वातावरण है, वो हमारे अनुकूल नहीं है। अगर हम एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो हमारे अनुकूल हो, तो हम वहां पर हम रहना पसंद करेंगे, और वही जब हम रहना पसंद करेंगे, जब लाइकिंग वर्ड आता है, तो वहीं पर हमें उसमें हैप्पीनेस भी प्राप्त होगी, हमें सुख का भी आगाज होगा, और ये हमारा इनर हार्मनी होता है। यानी ये चीज तभी होती है जब हम दिल से इस चीज को करते हैं, दिल से इस चीज को महसूस करते हैं, उसके वातावरण को समझकर, वहां के सामंजस्य को उठाकर। प्रॉस्पेरिटी क्या है? द फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी इज प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, समृद्धि साहब कहते हैं वो प्रॉस्पर है। यानी परे, परे से मतलब हो गया रिक्वायर्ड, माने रिक्वायर्ड माने मांग, जरूरत, आवश्यकता, नेसेसिटी। फिजिकल फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी माने भौतिक सुविधाएं, आवश्यक भौतिक सुविधाओं, मोर देन माने से अधिक, जितनी हमें जरूरत है उससे कहीं अधिक, जब फिजिकल फैसिलिटीज अगर हमें अवेलेबल है,
मौजूद है हमारे लिए, और हमें उसकी जो भावना अगर हमारे पास होती है, यानी जब हम आवश्यकता से अधिक भौतिक सुविधाओं की मांग करते, उपलब्धता की बात करते, मांग इस प्रॉस्पेरिटी, वही हमारी प्रॉस्पेरिटी कहलाती है। जैसे कि कह सकते हैं, सपोज कीजिए, दो वक्त की रोटी हमारे लिए आवश्यकता है। जब दो वक्त की रोटी हमें मिल जानी चाहिए, हमारी जरूरत है, हमारी आवश्यकता है। लेकिन जब हम दो वक्त की रोटी से कहीं ज्यादा मांग करने लगते हैं कि पहले दो वक्त की रोटी मिल जाए, रोटी में भी हमें पराठे चाहिए, इसका पराठा चाहिए, पूरी चाहिए, नान चाहिए, वो हमारी प्रॉस्पेरिटी के अंतर्गत आ जाती है। यानी जब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज की मांग करने लगते हैं, फिजिकल पैसे भौतिक सुविधाओं की, ये ऐसी भावना का रखना और ऐसी चीजों का अवेलेबल होना ही ये प्रॉस्पेरिटी संबंधी सहायता कहलाती है। हम अमीर किसको कहते हैं? हम अमीर उन्हीं लोगों को कहते हैं जिनके पास दो पक की रोटी से कहीं ज्यादा होता है। भाई, रहने के लिए मकान चाहिए, दो पक की रोटी चाहिए, खाने के लिए ज्यादा कपड़े चाहिए, लेकिन जब उनके पास बहुत सारे कपड़े होने लगते हैं, उनके पास गाड़ी है, कार है, बंगला है, तो उनको जरूरत से ज्यादा, बेसिक नीड से जब आवश्यकता से ज्यादा है, तो उनको हम प्रॉस्पर व्यक्ति कहते हैं। हम कहते हैं कि द पर्सन इज वेरी प्रॉस्पर, तो उसे संबंधी सहायता बोलते हैं। फॉर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए टू थिंग्स आते पर, दो चीजें की आवश्यकता होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, सबसे पहला होता है कि आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानना जरूरी है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी आवश्यकता है, यानी फिजिकल, ऐसा नहीं फिजिकल फैसिलिटीज को हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, फिजिकल फैसिलिटीज सबको चाहिए, लेकिन क्वांटिटी कितनी चाहिए, मात्रा कितनी चाहिए, रिक्वायर्ड माने आवश्यक मात्रा कितनी, यानी फिजिकल फैसिलिटी हमें गरीब व्यक्ति को भी चाहिए, हमारे अमीर व्यक्ति को भी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वांटिटी कितनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब होता है वो कहता है कि फिजिकल फैसिलिटीज इतनी मिल सके, इतनी मेरी छोटी सी झोपड़ी हो कि मैं वहां पर अपना सर छुपा सकूं, ये एक छोटी क्वांटिटी हो गई फिजिकल फैसिलिटी, यानी गरीब व्यक्ति। जो अमीर होता है उसको भी फिजिकल पैसे, वो उसको छोटी सी कुटिया नहीं चाहिए, छोटी झोपड़ी चाहिए, बल्कि उसको बंगला चाहिए। उसकी क्वांटिटी कैसी हो गई? बड़ी हो गई, आवश्यकता से अधिक हो गई। तो वही होती है कि आवश्यकता जो है, आवश्यकता से अधिक या आवश्यक उसकी कितनी क्वांटिटी, यानी मात्रा ही डिफाइन करती है हमारी प्रॉस्पेरिटी चीजों को। और वही हमें पहचानना होगा किसके पास आवश्यकता से अधिक जो फैसिलिटीज है कितनी मात्रा में। ज्यादा मात्रा में तो आप प्रॉस्पेरिटी की बात आते हैं, कम है तो वो बस उतनी होती। तो प्रॉस्पेरिटी को समझने के लिए मैं इन चीजों को पहचानना जरूरी है कि हमारी जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता से अधिक है या कितनी मात्रा में है। एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, दूसरी चीज हमें पहचान, ये भी विश्वास करना है, सुनिश्चित करना है कि अवेलेबिलिटी, कि वो फिजिकल फैसिलिटी कितनी अवेलेबल है, उपलब्ध है। प्रोटेक्शन ऑफ मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, या आवश्यकता से अधिक फिजिकल फैसिलिटीज का क्या हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, अवेलेबल हम कर सकते हैं। तो दो चीजें हुई कि आवश्यकता से अधिक, या कितनी हमें आवश्यकता है और आवश्यकता की कितनी मात्रा है, यानी भौतिक जो सुविधा है उसकी कितनी हमें मात्रा की आवश्यकता है, उसको पहचानना पड़ेगा। दूसरा जो फिजिकल फैसिलिटीज है, बल्कि जो मांग जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा क्या हम उत्पन्न कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी उसकी बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम बात करते हैं कि फिजिकल फैसिलिटीज, हमें हमें स्कूटर चाहिए, स्कूटर हमें बिजनेस के लिए चाहिए, तो हमारी रिक्वायर्ड क्या है? एक स्कूटर हो, स्कूटर से हम इजिली अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिजनेस के काम से इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन जब हम रिक्वायर्ड से कहीं अधिक उत्पादन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कहें नहीं, हमें स्कूटर नहीं चाहिए, हमें कार ही चाहिए, और कार में भी महंगी वाली कार चाहिए, तो वो हमारी रिक्वायर्ड फैसिलिटी से मोर देन प्रोटेक्शन। तो क्या हम उनको उत्पन्न कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं, क्या वो अवेलेबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो हमारी प्रॉस्पेरिटी में काउंट होता है। वी कैन बी प्रॉस्पर Only if there is a limit to the need for physical facilities. हम समृद्धिशाली हो सकते हैं, हम समृद्ध हो सकते हैं केवल वहां पर जहां एक सीमा होती है आवश्यकता और फिजिकल फैसिलिटी, यानी एक सीमा तक, जब किसी फिजिकल फैसिलिटी की आवश्यकता की सीमा होगी तो आप वहां पर प्रॉस्पर होंगे। क्योंकि तो इच्छा क्या है कि हमें समझिए हमारे पास कार, कोठी, बंगला हो, तो हमें निश्चित करना पड़ेगा मात्रा में चाहिए, क्या उसको अवेलेबल करा पाएंगे या नहीं कराए पाएंगे। सपोज कीजिए बहुत ज्यादा आपने क्वांटिटी मान ली और आप उसको अवेलेबल नहीं करा सकते हैं,
तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी संबंध नहीं हो सकते, क्योंकि इच्छाएं जो एस्पायरेशन है वो हमेशा बढ़ती चली जाती है। आज आपको रोटी मिल जाएगी 2 कप की, फिर आप कहेंगे कि हमें पराठा खाना, पराठा मिलेगा तो पराठा खाने के बाद बोलेंगे हमें स्टफ पराठा चाहिए, पूरी चाहिए, नान चाहिए। तो इस टाइप की जो फिजिकल फैसिलिटी होती है, हमें कार कार बंगला चाहिए, कार बंगला की बात फिर आप कहोगे नहीं, जमीन भी होनी चाहिए, फार्म हाउस भी हमारे पास होना चाहिए, और हमारे पास अब घोड़ा भी हमारे घर में हो, और ऊंट भी हमारे घर में, बहुत सारी चीज फिजिकल फैसिलिटीज जो भी चीज होती है, भौतिक सुविधाएं होती हैं, तो उनकी अगर लिमिटेशन अगर आप रहेंगे तो आप प्रॉस्पर हो सकते हैं, आप उसके अंदर अपने आप को सुकून प्राप्त कर सकते हैं, आप हैप्पी भी हो सकते हैं। इफ देर इज नो लिमिट, अगर आपकी कोई सीमा नहीं है, व्हाट सो एवर बी द अवेलेबिलिटी ऑफ फीलिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट बी अश्योर्ड, तो आपके पास जो भी कुछ अवेलेबल है, जो भी मौजूद है, उपलब्ध है आपके पास, तो उसकी जो प्रॉस्पेरिटी की जो भावना है वो कभी भी सुनिश्चित नहीं की जा सकती, कभी भी निश्चित नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एक मिला, फिर दूसरी इच्छा, दूसरी मिली, तीसरी इच्छा, तीसरी पूरी होगी, चौथी इच्छा, तो वो एस्पायरेशन आपकी बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए आपको एक लिमिटेशन में ही अपनी प्रॉस्पेरिटी होने की एस्पायरेशन को आपको रखना चाहिएगा, तभी आप हैप्पीनेस को प्राप्त भी कर सकते। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में जाना कि किस तरीके से हम जो है इच्छा जो होती है खुश खुशी हैप्पीनेस को प्राप्त करनी और प्रॉस्पेरिटी को, क्योंकि हर व्यक्ति की चाहत होती है वो लगातार उसे खुशी मिलती चली जाए, कभी उसमें ब्रेक ना हो और वो हमेशा प्रॉस्पर होता चला जाए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसको लिमिटेशन करना होगा, वरना इच्छा बढ़ती जाएगी, कभी हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो सेकेंडली, जस्ट असर्टिंग द नीड इज नॉट, इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता जो है, आवश्यकता को केवल टेस्ट करना, परखना ही पर्याप्त नहीं है, वी नीड टू बी एबल टू प्रोड्यूस और मेक एबल, बजाय हमें आवश्यक है कि हम चीजों को प्रोड्यूस करें, उत्पन्न करें और अवेलेबल यानी उनको उपलब्ध कराएं, मोर देन द पर्सन, जितनी हमें आवश्यकता दिखाई देती है पर्सन, जितनी हमें लगता है कि इतनी जरूरत है, तो उससे कहीं जरूरत से ज्यादा हमें चीजों को उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, उन चीजों को अवेलेबल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये भी प्रॉस्पेरिटी में चीजें शामिल होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लिमिटेशन करके रह गए, तो हमें चीजों को जरूरत से ज्यादा उत्पन्न करने की कोशिश भी जरूर करनी चाहिए, केवल परखना ही आवश्यक नहीं। हमने देखा कि हमारी इतनी जरूरत है, तो अगर इस हिसाब से अगर बोले कि हमें 2 वक्त की रोटी ही आवश्यक है, तो बस 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो बस हम शांत हो गए, हम कभी लाइफ में तरक्की कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2 वक्त की रोटी हमें मिले वही हमारी जरूरत है। लेकिन अगर हम जितनी हमारी आवश्यकता है, तो आवश्यकता से अधिक अगर हम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे, तो हम समृद्धि प्रॉस्पेरिटी भी हमारे पास होगी और हम अपने देश को भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, हम एक प्रोग्रेस की पथ पर भी चल सकते हैं। तो इस लेकिन हमें एक लिमिटेशन को भी निश्चित कि हमें उसकी कितनी मात्रा की हमें आवश्यकता है अपने आप को प्रॉस्पर प्रूव करने के लिए और हमें हैप्पीनेस को भी प्राप्त करने के लिए, तो इन चीजों को देखना होगा। तो इस तरीके से सिलेक्शन में प्रॉस्पेरिटी क्या है, हैप्पीनेस को कैसे प्राप्त करें और प्रॉस्पेरिटी की कितनी सीमा को लिमिट में रखना चाहिए, तब हम अपने आप को प्रॉस्पर खिला सकते हैं, वरना हम कभी प्रॉस्पेरिटी को गेन नहीं कर सकते, और किस तरीके से हमें उन चीजों को उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, आई होप सो दैट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ह्यूमन एस्पायरेशन या हैप्पीनेस, जो कंटिन्यूस हैप्पीनेस होती है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते, कैसे समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।